हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोरमेट में फंदे डालना सिखाऊंगी। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी फंदे डालना नहीं आता, ये उनके लिए वीडियो मैंने खास बनाई है। बहुत ही सिंपल तरीके के फंदे बताऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए, चुन्नी और साड़ी से अगर हमें डोरमेट बनाना है तो देखिए, हमें इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लेनी है। ये देखिए, इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लेके ऐसे मैंने रोल बना लिया है। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 नंबर की नीडल्स का यूज किया है। आप 7 नंबर की नीडल्स भी ले सकते हो, 8 नंबर की भी ले सकते हो। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीके के फंदे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले हम सिंपल एक नोट लगा लेंगे, उसके बाद ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके के। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसमें फंदे डाल लेंगे। जितना भी आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, इसी तरीके से हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, फंदे डालने के बाद दूसरी नीडल लेंगे और उससे हम अपना जो भी आप डिजाइन बनाओ। ये देखिए, फर्स्ट रो है, बेसिक रो है, तो इसको हम आराम से बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे आप इसकी बुनाई स्टार्ट कर दीजिए। में कोई भी आकार दे सकते हो, गोल भी बना सकते हो, चकोर भी बना सकते हो, स्क्वायर में बना सकते हो, जो भी आपको डिजाइन पसंद हो वो आप डिजाइन बना सकते हो। ये देखिए, ये फंदे डालने के बाद हमने एक रो बना ली है। दूसरी साइड से भी मैं एक बार आपको बना के दिखा दूं। ये देखिए, जब फ्रेंड्स हम कपड़े की पट्टी से बनाते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से इसमें हमारा ज्वाइंट लग जाता है। इस पट्टी को भी हम इसी में ले लेंगे, इसमें हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, हमारा जॉइंट अंदर पक्का हो गया है। बाद में जब आप डोरमेट बनाने के बाद फिनिशिंग करो तो ये छोटे छोटे जो ये निकल जाते हैं हमारे, ये तो इनको भी आप दबा सकते हो। ये देखिए, बहुत सफाई के साथ बनता है साड़ी और चुन्नी से जब हम बनाते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने इसमें फंदे डालने हैं। फंदे डालने के बाद आपने इसको ऐसे ही दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए, एक रो और उतार के दिखा दूँ मैं आपको। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। एक तरीके के फंदे मैं और बताऊंगी आपको। ये देखिए, ऐसे ही आप इसमें ऊपर बनाते जाइए। ये वीडियो मैंने स्पेशल बिगनर्स के लिए बनाई है फ्रेंड्स। ये देखिए, दोनों साइड से हमारा ऐसे ही बनता जाएगा। एक तरीके के फंदे मैं और बताऊंगी आपको। ऐसे कपड़े की पट्टी को हम लेंगे, ऐसे नीडल डाल लेंगे। आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हो, नोट भी हम इस यहाँ पे लगा के, नोट लगा के भी हम ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, एक हमारा नोट से हो गया। अगर नोट लगा लोगे तो आपका ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कपड़े की पट्टी। देखिए, ऐसे नोट लगा के और ऐसे आप निडल पकड़िए राइट हैंड में, लेफ्ट में आप ऐसे पट्टियाँ ले लीजिए या वूल से बनाओ किसी भी चीज़ से, और ऐसे बना लीजिए। देखिए, पहले इसमें से निकाल लेंगे, फिर इस साइड लेके जाएंगे इसके नीचे से, और फिर इसके बीच में से। इस तरीके से भी आप इसमें फंदे डाल सकते हो। एक तरीका ये भी है, ये भी बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीका है। देखिए, ऐसे और ऐसे ऐसे, ये देखिए। आसान लगे उसी तरीके से आप इसमें अपने फंदे ऐसे डालिए। ये देखिए, जितने भी आपने फंदे डालने हैं, फंदे डालने के बाद और फिर से हम अपना ये डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे।
ये देखिए ऐसे ही कपड़े की पट्टी लेके आप ऐसे ही डिजाइन बना लीजिए। ये देखिए जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, अगर आपको डालने आते हैं तो आप अपने तरीके से डालिए। ये जिसको बिल्कुल भी डालने नहीं आते, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। ये देखिए ऐसे ही आप इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लीजिए। कोई भी आपको इसमें शेप देनी है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो आप फंदे डाल के इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए दो रो मैंने आपको उतार के दिखा दी हैं। ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ आपका ये बनके कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा फंदा डालने का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।